नमस्कार, ससी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले मसालों में से एक खास मसाला है। अमचूर पाउडर तो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन घर में बने अमचूर पाउडर की प्योरिटी और स्वाद की बात ही अलग है। गर्मियों के सीजन में हम ये आसानी से मिल जाती हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अमचूर पाउडर बनाने के लिए हमने देसी कच्चे आम लिए हैं। ये वजन में लगभग 3 से 4 किलो हैं। आप कितने भी आम का अमचूर पाउडर बना सकते हैं, पर आम अंदर से बिल्कुल सफ़ेद और कच्चा होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अमचूर पाउडर बनाएंगे तो आपका सालों साल अमचूर पाउडर ख़राब नहीं होगा। ये ध्यान रहे कि आप जिस आम का अमचूर पाउडर बना रहे हैं वो खट्टा होना चाहिए। अगर खट्टा होगा तो आपका अमचूर पाउडर बहुत अच्छा बनेगा। अब हम आम को चाकू की सहायता से छील लेंगे। अगर आप चाकू से नहीं छील पाते हैं तो आप पिलर की सहायता से भी आम को छील सकते हैं। जब भी आप अमचूर पाउडर बनाएं, बारिश से ही पहले बना लें। बारिश से पहले इसे बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज होती है और ये बहुत जल्दी सूख जाता है। इस तरह से सारे आम के छिलकों को हमने निकाल लिया है। अब इन्हें हमें धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आम को अच्छे से धो लिया था। अब एक प्लेट में हम इनका गूदा निकाल लेंगे और फिर इन्हें हम तेज़ धूप में एक कॉटन के कपड़े में फैला देंगे। इन्हें हमें तब तक सुखाना है जब तक ये बिल्कुल सूख के कड़क ना हो जाएं। ये देखिए, हमें इस तरह से तब तक सुखाना है जब तक आम को आप इस तरह से उठा के देखेंगे, दो टुकड़े में आसानी से टूट जाएगा। ये देखिए, तो आप समझ लीजिए कि हमारे आम के पल्प सूख गए हैं। ये देखिए, आप आवाज़ सुन सकते हैं ये कितने कड़क हो गए हैं। अब इन सबको हम इकट्ठा करके ग्राइंड कर लेंगे। अब हम मिक्सी का ये जार लेंगे और उसमें हम इस खटाई को डाल देंगे और लिड लगाकर इसे हम खूब अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। लिड उठा के देखेंगे, देखिए कितना फाइन पाउडर तैयार हो गया है। अब इसको एक छन्नी की मदद से हम छान लेंगे। एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और अमचूर पाउडर को छन्नी में डालकर इसको हम अच्छे से छानेंगे। ये देखिए, कितना फाइन अमचूर पाउडर बनकर तैयार हो गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। उसके बाद ये अमचूर के टुकड़े बचे हैं, इनको फिर हम दोबारा से ग्राइंड करके छान लेंगे। देखिए, घर में शुद्ध अमचूर पाउडर बहुत आसानी से थोड़ी सी मेहनत के साथ बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अमचूर पाउडर पिछले साल का है। पुराना होने से इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है, पर टेस्ट उसका बहुत ही अच्छा है। और ये अमचूर पाउडर है जो हमने अभी बनाया है। इसे आप एयरटाइट डिब्बे में बंद करके और पैकेट में सील करके रखेंगे, इसमें हवा नहीं लगेगी तो ये कई सालों तक ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ।